नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन के अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं वीवो के तीन स्मार्टफोन, वीवो U10, वीवो Y11 और वीवो Y12। तीनों 3GB वेरिएंट है, तीनों में आपको मिलती है 3GB की रैम और बैटरी आपको तीनों मोबाइल में 5000mAh की दी गई है। रोम की बात करें तो वीवो Y12 में आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। वीवो U10 3GB वेरिएंट आपको मिलता है मात्र 8,999 रुपए में। वहीं वीवो Y11 भी आपको बिल्कुल सेम प्राइस मिलता है और वीवो Y12 आपको मिलता है 10,000 रुपए की कीमत में। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है तीनों स्मार्टफोन में। खास बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो में यहाँ पर आपके लिए लाता रहता हूँ। स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लिया है। शुरुआत करते हैं वीवो U10 से। सबसे ऊपर हमें एक मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर हम देखें तो इसमें हमें सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल दिया गया है और साथ ही आपको इसमें मिल जाता है फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का मोबाइल कवर। फोन की सेफ्टी के लिए काफी अच्छा कवर आपको इसके साथ दिया गया है। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, फिलहाल के लिए इसे रख लेते हैं साइड में। अंदर IMEI स्टिकर्स दिए गए हैं और इसमें हमें मिलता है 18 वॉट का फास्ट चार्जर जो 5000mAh की बैटरी को चार्ज करता है। USB केबल आपको नॉर्मल माइक्रो टू USB केबल इसमें दी गई है। और आप नजर डालते हैं वीवो Y11 में तो इसमें भी हमें एक मिनी बॉक्स मिलता है सबसे ऊपर जिसके अंदर सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और साथ ही फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का मोबाइल कवर इसके साथ भी मिल जाता है। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, इसे भी रख लेते हैं साइड में और इसमें भी हमें एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल मिलती है। इसमें हमें मिलता है 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। USB केबल आपको इसमें भी माइक्रो टू USB केबल दी गई है। वहीं नजर डालते हैं वीवो Y12 में तो इसमें भी बिल्कुल सेम आपको एक मिनी बॉक्स सबसे ऊपर मिलता है जिसके अंदर बिल्कुल सेम कंटेंट दिए गए हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का मोबाइल कवर। मोबाइल कवर आपको तीनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, फिलहाल इसे भी रख लेते हैं साइड में और अंदर हमें एक चार्जर अडेप्टर USB केबल इसके साथ दी गई है और इसमें भी आपको 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ मिलता है। USB केबल इसमें भी आपको माइक्रो टू USB केबल मिलती है, यानी कि तीनों स्मार्टफोन में आपको टाइप सी USB केबल नहीं मिलती है। वीवो U10 में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। ये है तीनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन का। साइज एक जैसा है तीनों स्मार्टफोन का और तीनों में आपको स्क्रैच से बचाने के लिए स्क्रैच गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है। तीनों मोबाइल के बैक पैनल देखें तो काफी ग्लोसी फिनिश हमें तीनों मोबाइल के बैक पैनल में देखने को मिल जाती है। लाइट का रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं काफी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। बैक पैनल बिल्कुल प्लेन तीनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलती है और तीनों मोबाइल में आपको राइट साइड में पावर ऑन की वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया है, लेफ्ट में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। तीनों मोबाइल का सेटअप बिल्कुल एक जैसा है। वीवो U10 में आपको बैक साइड में वीवो की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको मिलते हैं ट्रिपल AI कैमरा, 13+8+2 मेगापिक्सल के 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा आपको दिया गया है विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं बात करते हैं वीवो Y11 की तो इसके बैक पैनल में भी आपको वीवो की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको मिलते हैं ड्यूल कैमरा 13+2 मेगापिक्सल के 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा आपको इसमें दिया गया है विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इसमें भी मिलता है। अब बात करते हैं वीवो Y12 की तो इसके बैक साइड भी आपको वीवो की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको मिलते हैं ट्रिपल AI कैमरा 13+8+2 मेगापिक्सल के, बिल्कुल सेम आपको वीवो U10 की तरह AI कैमरा दिए गए हैं विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें
दिया गया है। तीनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है, ब्राइटनेस भी फुल कर दिया है, काफी कमाल की डिस्प्ले क्वालिटी आपको तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। यूजर इंटरफेस बिल्कुल एक जैसा है तीनों स्मार्टफोन में। होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर आपको सारी की सारी ऐप देखने को मिल जाती है। कई ऐप आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो तीनों मोबाइल फोन में आपको मिलती है 6.35 इंच की HD प्लस IPS LCD। एस्पेक्ट रेशो 19:3:9 का दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आपको बिल्कुल सेम मिलता है 720x1544 पिक्सल का। पिक्सल डेंसिटी 268 PPI की तीनों स्मार्टफोन में दी गई है। वहीं हाइट की बात की जाए तो Vivo U10 और Vivo Y11 में आपको मिलती है 159.4 mm की हाइट। Vivo Y12 में आपको 159.43 mm की हाइट दी गई है। थिकनेस की बात करें तो 8.9 mm की थिकनेस आपको सभी मोबाइल में मिलती है। और वेट भी बिल्कुल सेम है तीनों स्मार्टफोन का 190.5 ग्राम। और अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के चिपसेट की, तो Vivo U10 में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट दिया गया है। Vivo Y11 में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट और Vivo Y12 में आपको MediaTek Helio P22 का चिपसेट मिलता है। तीनों स्मार्टफोन में आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। रैम की बात करें तीनों स्मार्टफोन में आपको 3GB रैम दी गई है। इंटरनल स्टोरेज आपको Vivo Y12 में मिलता है 64GB का, बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक आप बढ़ा सकते हैं। 5000 mAh की आपको तीनों स्मार्टफोन में बैटरी मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको तीनों स्मार्टफोन में दिया गया है। तीनों मोबाइल के रियर कैमरा को ऑन कर दिया है। सबसे पहले नंबर Vivo U10 काफी अच्छा कैमरा है, फिर उसके बाद है Vivo Y11 और ये है Vivo Y12। तो तीनों मोबाइल में आपको काफ़ी अच्छे कैमरा देखने को मिल जाते हैं। Vivo Y12 में आपको थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा मिल रही होगी कैमरा में, आप देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको तीनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल अच्छा लगा, कौन सा मोबाइल आप परचेज करना चाहोगे। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं यहाँ पर Vivo U10 को सजेस्ट करूँगा। काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के साथ काफ़ी सस्ते दाम में आपको काफ़ी अच्छा मोबाइल मिल जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।